महाभारत का युद्ध हो या ओलंपिक में मेडल की रेस, खेतों में फसल हो या इंडस्ट्रीज का बेस, इस राज्य का इतिहास 5000 साल पुराना है। 1966 में गठित हुए इस राज्य की जीडीपी हमेशा ही टॉप लिस्ट में शामिल रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। चुनावी माहौल है, ऐसे में जरूरी है कि हम जाने कि हरियाणा एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कैसे आया और इसका इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप सब देख रहे हैं NBT टेकेड। हरियाणा की बचपन से 55 तक के सफर की अगर हम शुरुआत करें ना, तो हमें 1923 में जाना होगा, जब हरियाणा को पहली बार अलग राज्य बनाने की सबसे पहली मांग उठी, वो भी मी सत्यानंद ने लाहौर में मांग उठाई। हरियाणा क्षेत्र के अनेक नेताओं जैसे देशबंधु गुप्ता, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्रीराम शर्मा ने अलग हरियाणा राज्य के गठन के लिए प्रयास किए। 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिनमें हरियाणा क्षेत्र से चौधरी देवी लाल सहित कांग्रेस के 38 विधायक चुने गए। अलग राज्य बनवाने के लिए चौधरी देवी लाल और चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा क्षेत्र से 125 विधायकों का सिग्नेचर लिया और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री जीबी पंत को दिल्ली में दे दिया। 1953 में चौधरी देवीलाल ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग रखी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध करते ही रहे, लेकिन 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट आने के बाद ही 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। यही वो साल था जब बंबई राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। उसके बाद 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गया और बीडी शर्मा वहां के मुख्यमंत्री बने। अब आपको हरियाणा के गौरवमय इतिहास के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। हालांकि हरियाणा अब पंजाब का एक हिस्सा तो नहीं है, पर एक लंबे समय तक ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है और हरियाणा के इतिहास में पंजाब की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर ये कहा जाए कि हरियाणा का इतिहास 5000 साल पुराना है तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा के बानावाली और राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहे हैं और सिंधु घाटी जैसी कई सारी पुरानी सभ्यताओं के अवशेष सरस्वती नदी के किनारे पर पाए गए हैं। इसके अलावा वैदिक सभ्यता भी सरस्वती नदी के तट के आसपास ही पली फूली। तो अभी आपने जान लिया कि हरियाणा अस्तित्व में कैसे आया, उसका इतिहास 5000 साल पुराना कैसे है और साथ ही इसे कब गठित किया गया था। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, क्या आपको पहले से इसकी जानकारी थी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेकेड पर।